Like, जैसे अगर हो, तो मैं करता हूं, तो मैं करता तो देख सकता हूँ कि नहीं यू नो सेम चीज अगर इफ आई गेट एरिटेड रहने दो हर <laughs> एक सेट में एक ट्रम्प कार्ड होता है उस हिसाब से मैं करता हूं हर सेट आप आओगे उस टाइम तब बताऊंगा सस्पेंस सस्पेंस रहने दो यहाँ से फिर शक्ति होगी लेकिन हाँ बहुत अच्छा होने वाला है ये मैं गारंटी देता हूँ आपको हमेशा हमेशा वो सरप्राइज़ एलिमेंट हमने हमेशा आपको दिया हुआ हम आते हो सेट देखते हो वाह वाह वो खुशी के लिए मैं अभी रूल नहीं करूँगा मैं वेट करूँगा आपके लिए उस टाइम पर आने के लिए वो तो मैं एक साल पहले ही सोच लेता हूँ मतलब यहाँ ये खत्म हो गया अब ये देख रहे हैं अब तीन महीने तक तभी मैं सोच लेता हूँ मैं और मेरी वाइफ यू नो चीज़ प्रोडक्शन डिज़ाइनर तो वो पहले से सोच लेती है अगले साल ये करेंगे ब्रीफ आए जो भी आए हम ये करेंगे उनको बोलो ब्रीफ चेंज करने को ये हमारा यू नो बेस रहता है सी प्रेशर होता है कि इन 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 वन वे दैट आई नो वट डन एंड यू नो हमने सबने देखा हुआ है जैसे आपने अभी मैंशन किया इतने सारे सेट देख लिए ओके okay, ये मैंने रखा हुआ है मैं जब डिजाइन कर रहा हूँ इससे अलग है हाँ है ओके okay, उससे बड़ा है हाँ है ओके एंड द ब्यूटिफुल थिंग इज द डिटेल दैट वी डू इन एवरी सेट यू नो सिंपल सिंपल चीज हम मैं जब डिजाइन करता हूँ मैं अपने आप को ऑडियंस भी बना देता हूँ और अपने आप को वो टाइम के पर मैं यू नो लाइक जैसे अगर बिग बॉस हो तो मैं डिज़ाइन करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि नहीं यू नो सेम चीज़ अगर इफ़ आई गेट एरेटेड आई डोंट डू इट यू नो यहाँ भी मैंने देखा है क्लासिक यू नो कैलेंडर आर्ट को मैं चेंज करता हूँ तो मैं कैसे अपना यू नो छवि मैं दिखा सकूँ इन डिज़ाइनिंग मैं उसी हिसार की कोशिश करता हूँ ओके येस एवरीबडी इज़ डन दैट हर पाँच साल में नई टेक्नोलॉजी आती है यू you नो know, नया नया नयापन आता है तो वो मैं ट्राई करता हूँ यूज़ करने के लिए और एक यू you नो know, जब पहले पेन टू पेपर लगता है ना फर्स्ट थिंग जो है डिजाइन का काम स्ट्राइकिंग, यस आई नो यहाँ मैं यू you नो know, दाव लगा सकता हूँ और ये मेरे को पता है ये मेरा ट्रम्प कार्ड है तो हर एक सेट में एक ट्रम्प कार्ड होता है उस हिसाब से मैं हाईलाइट करता हूँ हर ये हमेशा रहा है कि जब भी मैं जुड़ना चाहता हूँ या तो जुड़ जाता हूँ एक शो पर कुछ नयापन लाने की कोशिश करते हैं हम हमेशा एंड वो यही होता है कि अपना नाम बहुत यू नो प्यारा है मुझे तो हम अपने आप को आउटडू करते हैं अगर हमने पहले कर चुका है या मैंने पहले देख चुका है तो उससे डिफरेंट मैं क्या करूँगा यू नो ये हमेशा कोशिश रही है लार्जर देन लाइफ फिल्म कि जो पर्दे में हम देखते हैं वो सेट्स अगर टीवी पर लाएँ तो कैसा लगेगा यू नो विल दे बी एबल टू यू नो डू जस्टिस टू द सेट्स वो मेरे पर आ जाता है कि बड़ा करना है और यही है कि जब ये शो मेरे पास आया कि ओके okay, हमने तो हर जगह देखा हुआ है यू नो इतने सालों से देखते आए हुए हैं एंड ये है कि हमारे पास एक माइंड होता है हमेशा कि हमने शिव जी को ऐसे देखा है अब आप क्या करोगे कुछ आ रहा? नो you know, कहानी चेंज हो सकती है कहानी में डीपनेस डिटेल ज़्यादा आ सकता है बिकॉज रिसर्चर्स करते रहते हैं नए 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 पन हर एक स्टोरी लाइन में तो मैं क्या ला सकता हूँ तो यही था कि हम लार्जर देन लाइफ लाते हैं ओके okay? ब्रेक करते हैं वो मोल्ड जो ट्रेडिशनली uh, हमने देखा है कि शिव जी हमेशा बाहर बैठते हैं स्नो लैंड है पीछे पहाड़ है मैंने किया कि पहाड़ के अंदर डाल देता हैं हो, क्या होगा केव में जाते ही हैं रहना तो होता ही है अंदर पार्वती भी अंदर जाती ही सब चीज़ अंदर होता है शक्ति भी अंदर तो हम अंदर क्या कर सकते हैं तो मैंने बड़ा के बड़ा सा केव बनाते हैं इसमें इतने सारे पिलर्स लगाएंगे तो आप चल के जा रहे हो चल के जा रहे हो चल के जा रहे हो यू नो हर पिलर इतने लंबे लंबे हैं सो सोधर कैमरा मूवमेंट भी ब्यूटीफुल होगा लिट अप होंगे तो क्या होगा रात में होंगे तो कैसे दिखेंगे तो अगर मैं उस टाइम पर होता और मैं अगर उस टाइम डिज़ाइन करता अगर एक केव तो कैसे होता तो इस हिसाब से मैंने चेंज किया अगर शिव जी बैठे हैं तो एक लेवल पर नहीं ऊपर बैठे हैं सेकेंड लेवल है थर्ड लेवल है फोर्थ लेवल वहाँ बैठे तो मैं भी देख रहा हूँ तो ऐसे देख रहा हूँ यू नो लेकिन फिर मेरे को चाहिए था कि बाहर हम कैसे देखेंगे यू नो हमेशा वो रहा है तो एक बड़ा सा खड्डा कर दिया हमने इन द दॉर केव इथ सेल्फ और वहाँ से हमको बाहर दिखता है तो वहाँ से सन रेज आएंगी वहाँ से हमेशा एक हेलो उनका होगा तो ये ऑब्वियसली थिंकिंग प्रोसेस हमारी चेंज हो जाती है तो देखने वाले भी देखते हैं हाँ किया तो है बुरा नहीं मानता बिकॉज ये यू you नो know, हमने देखा हुआ लेकिन ये अच्छा है सेम जंगल में देखो तो हम लार्जर देन लाइफ करने की कोशिश करते हैं इस हिसाब से मैं हर एक शो से जुड़ता हूँ ये हम लगे पड़े थे छः सिक्स टू एट मंथ्स पहले से भी लेकिन आइडिया जब आना आता है ना तो एक मिनट में भी आ जाता है डिज़ाइन करते वक्त हाँ इतना बड़ा है इतना छोटा नहीं इतना बड़ा है इतना बड़ा यू नो you know, ये स्केल है हम बना रहे हैं तो वो डिज़ाइन करते थे अच्छा दिस इज गोना बी फैंटेस्टिंग तो उसके लिए टाइम लगता है लेकिन आइडिया आने में फट से आ जाता है यू you नो know, जब डिस्कस करते करते कोई मेरे को ब्रीफ कर रहा है ना तभी मेरा आया मेरा आइज you know, डंग जा रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूँ क्या सोच रहा हूँ हाँ आ गया वो ख़त्म किया मैंने बोला ये मेरा आइडिया है हाउ डू यू लाइक इट सुपर ओके दाओ गिव मी टाइम टू डिज़ाइन इट तो हम डिज़ाइन करते हैं एंड देन फिर प्रोसेस होता है ओके फर्स्ट डिजाइनिंग है फिर थ्री है फिर मॉडल बनता है फिर बाद में फाइनली स्केल करके हम सेट जाते हैं कितने सेट में बना सकें मतलब अगर मैं इतना बड़ा सेट है एक सेट पर तो लगेगा नहीं यू you नो know, तो कैसे हम उसको डाइसेक्ट करके अलग अलग सेट्स में बनाते हैं यही सेट ले लो डिफ़िकल्ट होता है यू नो पैलेस डिज़ाइन करना बहुत इजी होता है एंड घर डिज़ाइन करना इजी होता है रियल लोकेशन बहुत इजी होता है बस स्नो एंड ट्रीज़ अ वेरी डिफिकल्ट मिली मी जब मैं सावरिया कर रहा था तभी भी यही प्रॉब्लम था स्नो यू नो फेक लगता है आप कुछ भी कर लो इतना बड़ा आप सेट ही बना रहे हो ना पी ओ पी करोगे यू you नो know, एक्रिलिक में बनाओगे फिर रंगोली हम डालते हैं फिर थमोकोल से घस के मतलब थमोकोल अभी बंद हो गया लेकिन हम क्या कर सकते हैं मेक इट लुक रियल हाथ में फील आना चाहिए अदरवाइज़ फ़ेक ही लगता है तो वो सबसे डिफ़िकल्ट है बिलीव मी करते करते भी नहीं अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है क्या करें क्या, क्या करें यू नो कैसे चेंज करें हमने वो सावरिया में भी मैं अटक गया था लास्ट में यू नो सब और वो बारिश में बना रहे थे हम सेट और वो बन रहा था इंडी में तो रात को तीन बजे पता चला रहे ये तो इतना मिसिंग है क्या करे तो जाके सब लोग को दुकान खुलवाया सब रंगोली ले आए बैग्स एंड बैग्स ऑफ सॉल्ट ऑल ला फिर फ्लोर पर डाल दिया लेकिन वो फिल्म है वो एक दो सीन पर चल सकता है ये लॉन्ग रनिंग सीरियल है तो इसमें परमानेंट होना चाहिए तो स्नो परमानेंट रहेगा वहाँ यू नो इतने महीने इतने साल तक रहने वाला है सेट तो मतलब फेक नहीं लगना चाहिए तो उस हिसाब से हमको यू you नो know, अलग अलग मशीन्स लगानी पड़ती है स्नो करने को बहुत डिफिकल्ट होते हैं नानी आ जाती है और मेरे मेरी आ गई थी बिकॉज़ ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था यू you नो know. <laughs> कितने भी स्नो डालो कितना भी हो कम लगता है जो चल के आता फिर खराब हो जाता है फिर उसको कैसे करें तो फुल प्रूफ करने के लिए ये बहुत टाइम लगाता है एंड वेरी डिफ़िकल्ट सेट प्लीज़ वॉच दिस शो बिकॉज ये कुछ नया आने वाला है एंड मेकर्स बहुत ही अच्छी तरह लगे पड़े हैं डिटेल्ड में यू नो कुछ डिफरेंट लाने के लिए आपके लिए तो लाइक हमने बोला है कि हर यू नो पाँच साल में ये वापस री जनरेट होता है यू you नो know? uh, सब लोग वापस देखने लगते हैं वापस अरे मैंने देखा हुआ है लेकिन दादी ने बताया था वो अलग था माँ ने बताया वो अलग था अब ये एक नया पन आ, आएगा आपके सामने प्लीज वॉच इट्स गॉन बी यू नो जस्ट ब्लो योर माइंड थैंक यू थैंक यू